हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा मोटर्स की। और आप देखिए कि 1 से 1.5% का गिरावट का माहौल रहा है हमारा। और इसके साथ यही नहीं, आप देखेंगे तो डिलीवरी वॉल्यूम में भी काफ़ी कमी आई है। आप देखिए शेयर ट्रेड 55 मिलियन का रह गया है बस। ये वो स्टॉक नहीं है जहां 55 मिलियन का शेयर ट्रेड होता हो, ये वो स्टॉक है जहाँ 150, 200, 300 मिलियन का शेयर भी ट्रेड हुआ है। वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है यहाँ पे। वॉल्यूम में जब भी कमी आती है, मैंने पिछले दिनों आपको डिलीवरी के बारे में बताया था कि डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर कम हो रहा है और शेयर में गिरावट हो सकती है, और वही देखिए आप हुआ यहाँ पर। बट ओवरऑल अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो एक बेहतरीन स्टॉक है। जियोजीत ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एक बड़ा टारगेट आया है यहाँ पे। तो जो लोग लॉस में है वो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, एंड यहाँ पर आपका जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है, क्योंकि जियोजीत का जो टारगेट है वो बहुत बेहतरीन है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो, शॉर्ट टर्म में अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई बाय करना चाहता है तो क्या ये एक बाइंग पॉइंट हो सकता है, एक एंट्री पॉइंट हो सकता है या नहीं, तो सारे क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि वॉल्यूम में बहुत कमी आई है, वॉल्यूम 55 मिलियन का वॉल्यूम आया, और टाटा मोटर्स कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, पिछले दिनों बहुत ट्रेंडिंग स्टॉक था, और उसके बावजूद यहाँ पर अगर वॉल्यूम में कमी आती है तो एक जैसा मैंने आपको कल एक रिसर्च रिपोर्ट दिखाया था उसमें था कि अब जो ऑटो स्टॉक्स है, ऑटो सेक्टर है हमारा, वो थोड़ा सा साइडवेज में न्यूट्रल जोन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट टाटा मोटर्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स के केस में आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल बहुत अच्छी आई थी, सेल्स रिपोर्ट बहुत अच्छी आई थी, और बहुत सारी अच्छी खबरें आती रहती हैं टाटा मोटर्स से रिलेटेड, ज़्यादा तक मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर। बट ओवरऑल अगर आज की गिरावट के बारे में बात करें, तो आज की गिरावट जो हुई है वो टाटा मोटर्स में इंटरनली नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुई है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्यों हुई है मैं बताता हूँ आपको। आप देखिए निफ्टी ऑटो में आज गिरावट का माहौल दिखाई दिया, ओवरऑल ऑटो सेक्टर हमारा गिरा है और 0.41% के आसपास, ठीक है। वहीं पर अगर हम अदर इंडाइसेस की बात करें, तो आप देखिए कि सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स हमारा लगभग 0.343% के आसपास ऊपर गया है। और यही नहीं, अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे वो 0.44% के आसपास ऊपर गया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 0.76% के आसपास ऊपर गया है, निफ्टी बैंक में गिरावट हुई है। तो आप देखिए कि आफ्टर बजट जो था, बजट के बाद दो सेक्टर थे जो बहुत अच्छे निकले थे, दोनों सेक्टर में से एक था हमारा ऑटो सेक्टर और दूसरा हमारा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में हमारे काफ़ी सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे भागे थे उस समय पर। और अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक था जो सबसे तेज भागा था। और इस समय पर बैंकिंग सेक्टर में भी आप गिरावट का माहौल देख सकते हैं और ऑटो सेक्टर में भी गिरावट का माहौल देख सकते हैं। उसका जो कारण है वो ये है कि इस समय पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। FII का डेटा मैंने आपको कल दिखाया था 9 फरवरी का था, और 10 फरवरी की बात करूँ मैं तो यानी कल की, कल क्या हुआ है बाजार में, तो आप देखिए कल बाजार में FII ने खरीदारी की है और DIIs ने बिकवाली की है। और जब भी DII जो होते हैं बिकवाली करते हैं तो बाजार इस तरह का दबाव दिखाता है, इस तरह का गिरावट का माहौल यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। और आप देखिए वही हुआ है यहाँ पे, आज भी हमारे बाजार में गिरावट का माहौल आया है। 2075 करोड़ का माल DIIs ने कल डंप किया था। FIIs की बात करें तो खरीदारी जरूर हुई थी वहाँ पे, बट DII के कंपैरिजन में काफ़ी कम, 350 करोड़ के आसपास का जो एक कमी रह गई थी, उसकी वजह से बाजार हमारा कल भी गिरावट के माहौल में था। और आज जो ऑटो सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर गिरावट के माहौल में दिखाई देते हैं, उसका प्योरली रीजन यही है कि जो DII माल बेच रहे हैं वो इन सेक्टर से जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। यही एक चीज़ सामने आती है, और जहाँ पर खरीदारी हो रही है वो ये सेक्टर नहीं है। FII जहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं वो सेंसेक्स के स्टॉक्स हैं, या फिर निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, या निफ्टी मिड कैप के स्टॉक हैं, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स हैं। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये कारण है कि बाजार में जो गिरावट का माहौल बना है, आप देख सकते हैं कि क्लियरली कि DII जो है वो बिकवाली के मूड में है इस समय पर, और जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बिकवाली के मूड में है पूरे पूरे इस समय पर। तो यही एक कारण है कि हमारा जो ऑटो सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर है दोनों ही गिरावट के माहौल में दिखाई देता है। अब टाटा मोटर्स की बात करें कि कब आने वाले समय में हम इसमें अच्छी खासी रैली कब देख सकते हैं, तो आप देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज अभी 18-19% के आसपास है हमारा, एटलीस्ट 20-22-25% के आसपास की डिलीवरी रहती है, तो काफ़ी ठीक ठाक एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई देता है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आप देखिए कि जब भी कोई ब्रोकरेज हाउस कॉल देता है तो वहाँ से स्टॉक हमारा ऊपर की ओर भागना स्टार्ट करता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप देखिए कि ब्रोकरेज हाउस खुद भी बाइंग करते हैं, और वहाँ पर अगर बाइंग होती है ज़्यादा शेयर्स की तो उसके बाद स्टॉक जो है हमारा वो आगे निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जियोजीत की खबर पर लेकर चलता हूँ मैं आपको सीधे, पर डिलीवरी परसेंटेज हमारा उधरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में हमारा टाटा मोटर्स और लैग कर सकता है। उसके बाद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि टाटा मोटर्स अपनी पुरानी वाली रैली को कंटिन्यू करेगा और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब जियोजीत की खबर की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर
ये खबर है हमारी। और टाटा मोटर्स रेटिंग बाय है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 328 रुपये का था, टारगेट है हमारा 372 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया, शॉर्ट टर्म का टारगेट, और 13% के आसपास आप इसमें बना सकते हैं। जियोजीत की रिपोर्ट है, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, मनी कंट्रोल पर भी जाकर रिपोर्ट देख सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप जियोजीत ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट पर जाकर देखना चाहें तो वहां पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही जगहों पर आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी, डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगी आपको वेबसाइट पर, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखें कि यहां पर एक जो मोमेंटम सेट हो रहा है जियोजीत की तरफ से, जियोजीत की तरफ जो कॉल दी गई है बाय कॉल, यहां पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो फिर से अपनी पुरानी वाली रैली कंटिन्यू कर सकता है। इसके बदौलत एक तो देखिए आप मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बहुत सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड आया, कूलिंग ऑफ पीरियड अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट दोबारा से उछल रहा है। सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स में अच्छा खासा उछाल आया है, निफ्टी 50 में उछाल आया है, बट ऑटो सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉफिट बुकिंग चालू है वो थोड़ा सा वहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड आना बाकी है। DII जो है और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो जब तक बिकवाली करेंगे तब तक थोड़ा सा दबाव बाजार में रहेगा, और उस बिकवाली को आपको वेट करना पड़ेगा कि जब कब तक बिकवाली होती है और कब तक यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है और कब तक ये कंसोलिडेट करता है मार्केट। जैसे कंसोलिडेशन खत्म होता है टाटा मोटर्स के लगभग ऑटो सेक्टर का जो स्टॉक है हमारा और बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक जो है हमारे वो उछलते हुए दिखाई देंगे, वो ऊपर भागते हुए दिखाई देंगे, दोबारा से पुरानी वाली रैली दोबारा कंटिन्यू होगी इन स्टॉक्स में, ठीक है। अब अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट हमारा ठीक ठाक दिखाई देता है, यहाँ पे थोड़ा सा जो एक डाउनफॉल आता है वो दिखाई देता है, वो मैग्डी की लाइन में डाउनफॉल आ रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर हालांकि टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो ऊपर से ऊपर रिकवर कर लेता है, कई बार ऐसा हुआ है, आप देखिए कि ये जो लेवल था यहाँ पर भी एक बुरी बेरिश जोन आ रहा था यहाँ पर, बट वो आया नहीं और जो खबरें आई उसकी वजह से स्टॉक हमारा ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया, और वही एक चीज़ यहाँ पर हो रही है। आप देखिए कि दोबारा से जो हमारा मैग्डी की लाइन है वो दोबारा से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के लिए पूरी तैयार हो चुकी है, क्योंकि जो गिरावट का माहौल है बाजार में उसकी वजह से। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक जो लेवल था हमारा एक दो दिन, आप देखिए कि जो हिस्टोग्राम थे वो बहुत कमजोर हो चुके थे, और वही एक लैगिंग का जो पीरियड था यहाँ पर भी आया था, लैग हो रहा था यहाँ पर भी हमारा स्टॉक प्राइस, और वही पीरियड यहाँ पर भी चल रहा है। आप देखिए कई दिनों से जो हमारा स्टॉक है वो एक ही रेंज में ट्रैवल कर रहा है, और वो रेंज हमारी यही पर है, ठीक है, वो इतना ही ऊपर जाता है इतना ही नीचे आता है। उसका रीजन यही है कि जो बिकवाली का माहौल चल रहा है उसके कारण जो स्टॉक है हमारा वो उसी रेंज में 320 रुपये से लेकर 340 रुपये तक हमारा स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है। उसका रीजन यही है कि जो बिकवाली का माहौल है जब तक वो खत्म नहीं होगा स्टॉक हमारा दोबारा से पुरानी वाली रैली पे नहीं आएगा। जितना माल DFIA खरीदते हैं उससे ज़्यादा माल DII बेच देते हैं, और वही एक कारण बनता है गिरावट का बाजार में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो देखिए जियोजीत ने जो कॉल दिया है वो बहुत पॉजिटिव है, और कई खबरें पिछले दिनों भी आई थी जो काफ़ी पॉजिटिव थी टाटा मोटर्स से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक हमारा दोबारा से अच्छी खासी रैली दिखाएगा। और आप देखिए कि RSI की बात करें तो 68 RSI है हमारे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन से निकल चुका है, ओवरबॉट जोन से मेनली, तो वो बहुत अच्छी खबर है। अभी यहाँ से स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन ये लैग कर सकता है, उसके बाद ये ऊपर भागता हुआ दोबारा से दिखाई देगा। तो 372 का हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये आपकी लास्ट कॉल रहेगी। थोड़ा सा एनालाइज करें, जियोजीत की रिपोर्ट आप खुद भी पढ़ेंगे जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक में जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या है आपकी स्ट्रेटजी आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।